वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और साफ खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों दाने मो अल्लाह के नाम से। तो शुरू करते हैं दोस्तों व्लॉग का आगाज अभी से। जय भेड़िए। चले हम ना, चले 15 पे चले। फोन तो करा उठे। नहीं यार, बैलेंस नहीं यार, मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया है। वो बैलेंस नहीं है तो यार, रोज़ की तरह करते हैं सफाई शुरू करते हैं। एंड सफाई निस्त ईमान है, तो शुरू कर देते हैं सफाई करना एंड फिनिश करते हैं काम कस्टमरों के आने से पहले। घर से कॉल आई है कि चाय ले लो आके। मैं चाय लेने के लिए जा रहा हूँ एंड साथ में पत्नी क्या बनाया उन्होंने वो मैं देखता हूँ जाके। सिस्टर के घर गया था तो हमारा नाश्ता मैंने वहीं से किया। मैं बड़ा लेट आया हुआ शॉप पर, तो चलते हैं या चाय लेकर आते हैं, आप मेरा वेट कीजिए। ठीक, नाश्ते का मीनू आपको बताया क्योंकि नाश्ता में करके आया था। और नाश्ते का मीनू हलवा है और चाय। चलो आ जाओ खाते हैं, मजे करेंगे। क्या बोलते हैं भाभी? मेरी तरफ से आपके लिए क्या बनाया? चने की दाल का क्या है भाभी ने बनाया? अच्छा बनाओ। मिलते हैं आप लोग खाने के बाद। यार मेरी आज की दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक मेरा आज का दिन कामयाबियों से भरा हुआ गुजरे, खुशियों से भरा हुआ गुजरे। एंड मेरी भी कस्टमर आए, मेरा आज का काम बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाए। एंड जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक अपने अपने घरों से निकले हैं, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में महफूज रखें। एंड आज का सबका काम अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, कामयाबियों से भरा हुआ हो एंड ब्यूटीफुल सा हो जाए मेरा आज का काम। आमीन। चलो चलते हैं मामा की तरफ। हेड सामने पड़ा हुआ कैसे? और मामा अम्मा माँ तो हो गए आपके काम सारे? मैं भी गया हुआ था यार, अभी आया हूँ। नहीं, ये लोग तो बड़े देर से आएंगे भाई, 11 बज गए अभी तक तो कोई भी नहीं आया। जल्दी भी आते हो और काम भी देर तक करते रहते हो, मेहनत करते हो यार। मामा की बात ही है, अपनी आप किसी की दुकान को अपनी समझते हैं ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि आपकी 2-3 दुकानें हैं अपनी जाती। मामा बोलते हैं इस उम्र में काम अगर मैं नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा तो फिर बिस्तर से लग जाऊँगा। इस उम्र में काम करना चाहिए इंसान को, बिल्कुल ये तो हकीकत है, लाजमी बात है। चलो यार मामा आप काम कीजिए। आज मैं देर से आई हूँ, फिर नहीं लोगों को खाना दे दिया माशाल्लाह से।
देखो मेरी गुड़िया कैसी है। आओ इसके पास। यार तुम मुझे रोज़ ना मारते हो यार, मेरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कुछ बताओ तो सही मुझे। और फैज भाई कैसे हो? दूं या दे दिया खाना? फिनिश कर दिया। तुम तो मुझे पता खाने के बाद भी तैयार हो गए कि मुझे दो। आज यार नीरज ये भी खाने के लिए मचल रहा है, माशाल्लाह से खा चुका है, लेकिन फिर भी आपको लोगों को पता है कि इसको नीड होती है खाने की। पानी वाली दे दिए? पानी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मिस, मैं अभी बाजी के घर से ही आ रहा हूँ, वहीं रुका कर रहा। मलिक में बहुत ठंड है यार, यहाँ से ज़्यादा कसम खुदा की, उनके घर तो मैं कंबल में बैठा हुआ था। हाँ नदी बढ़ती है ना, उसकी वजह से बहुत मौसम उधर ठंडा होता है। अभी खिलाने का मुझे सिंग मार रहे हैं। ये सिर्फ खाने का शौकीन है। अच्छा मैं चले जाऊँ? मैं चले जाऊँ क्या मतलब है कि यहाँ पे जाओ बस खिला दिया भी जाओ? मतलब कैसे गुस्सा हो रहा है? ये वही सुन माइकल की तरह केक मार रहा है। मतलब तुम मुझे मारते हो, तुम्हें खिलाता हूँ रोज आने, तुम ही देते हो मारते, गंदे से क्या क्यों नहीं करते यार? पूरी बात हो रही है, ऐसे नहीं करते। ओ सीन मार रहा है यार जोर से। अब नहीं होगा, उसे नाराज। देखो लीवर से कर, देखो ये कितनी मासूम सी इसकी शक्ल दिखाओ, ये कुछ भी नहीं कहती, ये बहुत मासूम है, मासूम सा जानवर है। और तो पानी देंगे भी थोड़ी देर के बाद, बस चलते हैं पोर्ट पर। मेरी लाइट है अभी, सब इंतज़ार में है, फेज़ भी अहमद भी लाइट के इंतज़ार में, जनरेटर ऑन नहीं है, हमने जनरेटर जो है चला लिया अपना, इन लोगों का बेचारों का भी है नहीं, सब इंतज़ार में खड़े हुए, क्या बोलूँ यार। अरमान भी खड़ा हुआ है बेचारा मेरे पीछे, अहमद भी बेताब हो रहे कि लाइट आ जाए, तो लाइट आ जाए तो काम करें, काम करें। और फेज़ वहाँ पर खड़ा हुआ सामने, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। चलते हैं यार, माशाल्लाह से धूप काफ़ी सही निकल रही है ना। तो यार रोज़ की तरह दूध लेते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर घर पे। तो यार सर्दियों के दिन में क्या अजीब से होते हैं लोग, जो डर रहे होते हैं सर्दियों में, दिल नहीं करता वैसे कहीं आने जाने का ना। ये बात है, और रात तो जो है ना बहुत ठंड हो जाती है, ठंड हो जाती है इतनी ज़्यादा रातों में, लोगों के घरों में जल्दी जल्दी बिस्तर डाल जाते हैं लोग, जो है ना बिस्तरों में जल्दी चले जाते हैं। जैसे कल रात न्यू ईयर था, सारे दोस्त कज़न जा रहे थे, बोल रहे आज अब चलते हैं कहीं आतिशबाजी पे, वो एक घंटा और पे
मैंने खुद नहीं ना मैंने खुद मना कर दिया यार, मौसम ही ऐसा था जो है ना ठंडा ठंडा, जाने को दिल ही नहीं करता था। हाँ वैसे एक बात है, वो देखो माशाल्लाह से मेरी बकरी की जगह पे कुतिया बैठी हुई कितनी आराम से धूप सेक रही है, और वो भी जो जोली उधारे और ये कुतिया इधर बैठी हुई धूप सेक रही है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की चहल कदमी लगी हुई है एंड दोपहर का टाइम हो चुका है सही का, लेकिन धूप कम कम निकली हुई है। वैसे चलते हैं फिर नमाज की तैयारी करते हैं, जोहर का टाइम हो चुका है, हिसाब किताब देख लूँगा फिर। हाँ ईशान भाई ये थोड़ा काम देख लो आप। तो यार हिसाब किताब मैं कर लेता हूँ और फिर उसके बाद जाता हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए। और सुनाओ तुम कहाँ गए हो न्यूयॉर्क में कल रात? यार कहीं भी नहीं गया, बस कल रात अपनी घर पे पार्टी बनाई, कोई वीआईपी कजन आया हुआ था। अच्छा। बस खाने पीने का सिस्टम बनाया तो चला एंजॉय किया है। अच्छा, मुझे याद नहीं किया तुम लोगों ने। यार आपको याद करते लेकिन जो है ना आप हमारे से दूर थे, इस वजह से मैंने कहा यार। हाँ और आपने बताया था ना कि मैं सिस्टर के घर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ये मौके पर होगा नहीं, तो इस वजह से। और हमारे ख़ुद काफ़ी कज़न बाहर गए घूमने फिरने सी हो, लेकिन हम नहीं गए यार, हमारे को जो है ना अभी मौसम ठंडा है, मज़ा नहीं आ रहा था। पहली तारीख एंड पहला महीना और अब मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ 2024 माशाल्लाह, हैप्पी न्यू ईयर की तरह लिखूँगा मैं, हैप्पी एंड न्यू साल का पहला साल मुबारक, साल का पहला दिन मैंने यहाँ से देख लिया है एंड चलता हूँ यार, फिर मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, टाइम हो गया नमाज का, लंच बना तो ले आऊंगा सही है, ठीक है, नहीं बना तो फिर देखते हैं बाद में, वैसे बंद जाता है, वैसे चलता हूँ फिर मैं नमाज पढ़ के। ये मेरा पहला फर्स्ट डे है मेरा कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ इस नए साल की, तो अल्लाह ताला मुबारक करे, आमीन। एक जगह शामी कबाब एंड क्या है ये ताहिरी आलू और गोश्त की पालक आलू। तो यार मैं आ चुका हूँ अपना लंच लेने के लिए एंड लंच का मेनू कुछ अच्छा ही है, सलाद है, शामी कबाब, रोटी है, चटनी है, आलू और गोश्त की ताहिरी है एंड पालक आलू का सालन है, और वो कहाँ है नहीं रखा है, बस हलवा मेरे फ्रिज में रख दे भी निकालता हूँ। तो यार मैं मेनू लेके आ चुका हूँ और आपको मेनू बता दिया खाने का मैंने, तो भी यार खाना खाते हैं और फेस को भी दे रहे तो मैं जो देना है मैंने उसके अंदर एक रोटी डाल दे तो फेस के लिए। मैं तो रोज का सवाब कमाता हूँ माशाल्लाह से और रोज ही देता हूँ। यार ये फेस का खाना है, मैं फेस को देकर आ रहा हूँ, आओ मेरे पीछे। चलो आ जाएगा फिर दे देंगे, जब तक रख देखें यार फेस का खाना मैं रख देता हूँ, जब वो आएगा तो खा लेंगे, हम तो खाएं इतना खाना। तो यार फटाफट सब शुरू करते हैं। ओके हाँ ईशान भाई यार आज साल का पहला दिन भी है, कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है, कज़न भी है साथ, वो कह रहे कि यार चलते मच्छी के शिकार में, नहीं फिर आपका क्या ख्याल है, मूड है जाने का? कहाँ पर? वो बम्बोर चलेंगे, थोड़ा लॉन्च में सफ़र भी करेंगे, रात भी गुजारेंगे। बम्बोर नहीं, लॉन्च में जाना पड़ता, मुझे तो वैसे डर लगता है उससे। यार वैसे चले जाते तो अच्छा लगता, लेकिन ये बात है कि मुझे भी लॉन्च में बहुत डर लगता है यार, ये झूले कहते हैं लॉन्च। एक दफ़ा घर वालों के साथ उधर गया था, वहाँ पर नटी चट्टी के उधर लॉन्च में बैठ के जाना पड़ा था, मैं तो समंदर देख रहा था तो चक्कर आ गया समंदर के, देख के मुझे तो भाई डर लगता है। हाँ यार चलो फिर ठीक है, हम जो है ना एक दो तीन दोस्त और एक आप हो जाओगे, हम चले जाएंगे दो दरिया, फिर क्या ख्याल है? दो दरिया थोड़ा सा नज़दीक है। हाँ
वहाँ चले चलेंगे, लेकिन वहाँ नहीं, वो तो बहुत दूर है। और हम लोग जब जब गए थे ना नट्टी जट्टी के मच्छियों को जो है ना चारा डालने के लिए, पता ही क्या हुआ था, एक बिल्कुल नया कपल चढ़ा था लॉन्च के अंदर, बिल्कुल नया कपल, इतनी बड़ी जो नहीं होती सब जो बैठते उसमें चढ़े थे, मासूम बच्चा था उसके हाथ में, और वो यूं देख ही रही थी वो, तो मछली इतनी बड़ी अंदर सर आई और बच्चे को यहाँ से पकड़ के अंदर ले गई। नहीं यार असल से बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सही वाक्य है, बच्चे को ले गई, बच्चे को ले गई वहाँ पे, क्या बात है यार, बच्चे को अंदर ले गई, तैराकू गए नीचे, लेकिन वो तब तक नहीं, ये फिर पता नहीं लगते, वो जो समंदर है यार, फिर समंदर में कैसे पता लगता है। चलेंगे फिर दो दरिया चलेंगे, अगर देखो यहाँ पे, यहाँ पे बैठने का भी तो मसला है, बैठेगा कौन यहाँ पे, तो हाँ ये भी है आपका, तो शॉप का मसला है, कोई जो है ना आपके साथ है ही नहीं, कोई है ही नहीं शॉप का मसला है मेरी, शॉप पे भी कोई ना कोई तो होना चाहिए, लाजमी हो, ये बात तो सही है। फिर चलो देखते हैं ना, कुछ हल निकालते हैं इसका, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चले जाते तो हाँ जाओगे क्या, सर्दी हो रही है यार, जाने को दिल तो कर रहे पर डर भी बहुत लग रहा है, एक तो सर्दी में वापसी आएंगे तो नज़ला जुकाम होएगा, ये तो बात है। हाँ ना, फिर सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ यार, इससे अच्छा कहीं घर में ही सेटिंग बना ले, प्रोग्राम बना ले, पलट जाते यार। यार मेरे को सर्दी से बहुत बोझ है जो है ना, सर्दी मसला होता है, ऊपर से जाए इतनी दूर बंदा, ये गर्मियों में जाने की चीजें होती है, गर्मी में जाने की, बिल्कुल। चलो यार जोर का टाइम हो रहा है, फिर ओ क्या नाम है, जोर कह रहा हूँ, असर का टाइम हो रहा है, और मैंने जो है ना तैयारी करनी है जाने की नमाज के लिए, चलो फिर। टचिंग मार ले तो हल्की हल्की। हाँ ठीक है, थोड़ी सफाई निस्फ ईमान है ना, हवा इतनी चल रही है, तो सर्दी इतनी हो रही है, और ऊपर से हवा इतनी ज्यादा चल रही है, सारी मट्टी धूल और ये थैलियाँ रैपर पत्नी क्या क्या अंदर आ रहे हैं यार, इतनी बहुत आती है अंदर, मैं तो वो जाता हूँ यार। आपने अरमान देखा है आपकी दुकान में मट्टी कितनी, असल में दुकान नीचे है ना, हाँ, और दुकान जो है ना तो रोड के किनारे पे है, तो गाड़ियाँ आती जाती है, तो उस पे जो है ना धूल तो ज्यादा उड़ती आती है अंदर, अभी मौसम भी खुश्क है ना, धूल मिट्टी ज्यादा है ये पेस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, सर की चाय बनी तो ले आऊंगा, सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ यार। हाँ यार थोड़ी मुझे भी भूख लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, क्या करूँ, बिस्किट लेकर आऊँ क्या, नहीं यार कोई समोसे वमोसे ले आओ, कोई जो है ना मजे की, चटपटे आया था सुबह में, अभी तक तो नहीं आया, तो आप देख लो ना अगर आ जाए तो ले आओ यार समोसे, तो सही है फिर कुछ मंगवा लेंगे। हाँ चावल खाए ना यार, लग रहा समोसे वाला आगे यार, हाँ आवाज तो आ गई, लंबी उम्र है भाई, बहुत आपकी लंबी उम्र है, अभी आपको याद कर रहे थे यार, हमारे को भूख लगी है, भाई ने भी कहा मुझे भी भूख लगी है, दो समोसे दो और तुम क्या ले रहे हो यार, मेरे को तो जो है ना एक ये क्या है, ये कचौरी है, कचौरी है, हाँ दे दे एक कचौरी अगर ले बोल रहे तो, रोल भी ले ले भाई, नहीं यार ये एक बहुत हो जाए, चलो चलो खाते हैं, बॉन पे सी यार, अभी शाम हो चुकी है, माशाल्लाह से इतना अच्छा व्यू कर दिया मैंने बाहर का, छिड़के मारे हैं पानी के, शॉप की भी सफाई की, तो चल के देखते हैं बाहर का व्यू, तो मजा आएगा, ये बात सही कही है यार, माशाल्लाह से अभी देख सकते हैं मैंने कितनी छिड़के मारे, इतना प्यारा करके यहाँ का व्यू, अच्छा लग रहा है वैसे, बेस्ट हो गया, गुड हो गया है।
तो आपको बैक कैमरे से मैं बताता हूँ यहाँ का व्यू। तो यार लेकर आ गया हूँ मैं चाय और पान, चलो चाय। ये तो अच्छा किया कि आप चाय ले आए यार, सर में दर्द हो रहा था, चाय की बहुत तलब हो रही थी। एक तो मौसम भी ऐसा वी आई पी करके यार कैसी है, मजे की चाय बनी है। थोड़ा अपने फ्रेंड को भी पिलाओ। हेलो फ्रेंड व्यूअर्स, यार मगरिब की अजानें होने लगी हैं एंड मैं जाने लगा हूँ अब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो चलते हैं फिर मगरिब की नमाज़ पढ़कर आते हैं और आके करते हैं ब्लॉग का एंड। तो यार मैं अभी आया हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ के और अब मैं करने लगा हूँ ब्लॉग का एंड, तो चलते हैं यार फिर कर लेते हैं ब्लॉग का एंड। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम लाजमी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, तो करते हैं ब्लॉग का एंड। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ इस भाई के चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे आपके सब्सक्राइब की आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ डेली के दोस्त के नए नए ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो इसी लगन के साथ और मेहनत के साथ मैं डेली बनाता रहूँगा और आप लोगों को वीडियो करते रहूँगा। तो प्लीज़ इस भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।